एना एना हेलो कौन G9 बोले तो गन मास्टर G9 अरे कौन है भैया एना अरे एना डार्लिंग हेलो ए अरे अरे कौन है तुम अरे बोलो एना हेलो कहाँ हो अरे एना एना डार्लिंग अरे हिना डार्लिंग किधर आखिर है कौन बे तू ना चीज को गन मास्टर G9 मैठन भट्टाचार्य बोलते अरे इसकी तो पूछ उससे कहाँ से आया कहाँ से है जी तुम घर से पूछ एड्रेस एड्रेस बोलो एड्रेस बंगलो नंबर 303 चावन रोड मेरचाल आईरी वही नाम और वही एड्रेस निकला मैं तो अंदाजे पे मारा सही भी लग गई अरे तेरे को यही नाम और यही एड्रेस मिला था क्या अब क्या करेंगे भाभी को पूछ पेट खुज रही मेरी हिना डार्लिंग हिना डार्लिंग एक बार और कंफर्म कर ले तो इससे पूछ अरे यार मेरी बेचैनी बढ़ते जा रही है हिना डार्लिंग को बुलाओ हाय मेरे को ये बोलो आप सही भी मिथुन भट्टाचार्य है कोई शक हिना हिना डार्लिंग तुम ही मिथुन हो कोई शक शक नहीं इतिराज है बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते ये क्या हो रहा कौन है तुम लोग मैं हूँ तुम्हारी हिना मेरे मिठू छोड़ो अरे रुक 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 छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है चलना कहाँ ना 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 मैं वैसा आदमी नहीं हूँ मैं शरीफ हूँ आदमी तो है ना इसीलिए तो आया है पसंद नहीं आई यही ना ही ना ऐसी रहती सख्त छोड़ो रे तुम लोग मेरे को धोखे से बुलाए या ठुला के बुलाए आ तो गया ना कैसी थी अपनी एक्टिंग एक्टिंग थी वो मजाक करा रहे भाई बहुत बड़ी गिची सुलझ गई रे भाई चल मैं जरा फ्रेश होके अपनी जान से मिलके आता हूँ थैंक यू बाप अरे मेरा था तो बौरान हो जाता अपन क्या कहने के लिए ये क्या है हाय हे हाय आज तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो मेरे को मालूम था तुम शर्मा के मुंह फेलेंगे बुलके ऐसी चोता 3 साल के बाद एक दूसरे के सामने आए अब गिरा दो ना मेरे पे अपने हुस्न की बिजलियां कम ऑन शहबाज सुभान अल्लाह तुम्हारे हुस्न पे तो और भी निखार आ गया है शहबाज तुम्हें दिख रहा है मैं तो यहाँ इंतजार की आग में जल रही थी ठीक है मगर अब इंतजार खत्म हो गया ना तुम नहीं जानते शहबाज ये 2 दिन मुझे 3 साल से भी ज्यादा लगे और तुम तो बोल रहे थे आते ही मिलोगे हाँ मेरे एक दोस्त का प्रॉब्लम चल रहा था इसलिए नहीं मिल सका इतना जरूरी था कि आज मेरी याद आई उसके मेरे ऊपर बहुत एहसाना है
और अब मेरे को मौका मिला कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। अच्छा, ऐसे नेक दिल इंसान से मुझे भी मिलाओ। जरूर, जब मैं तुम्हारे घर को आऊंगा ना, उसको भी साथ लेके आता हूँ और साथ में हमारी शादी की तारीख भी पक्की कर लेंगे। सच? हाँ। ओड़ी बाबा, मुबारक। ओके, आप दादा का पिक्चर हाँ रिलीज हो गया ना? अरे एकदम झकास चल रहा है पिक्चर। मिथुन दा 100 days. ओके रख।